और किसी ने जो है ये मार दिए टक्कर पीछे से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग यासीन। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। और जैसे कि अभी बज गए हैं सुबह के 8:30, अभी चल रहे हैं हम नाश्ते के लिए। नाश्ता करेंगे आज एक ट्रेडिशनल होटल से जिसका नाम है मुगल अतल फरीज। जैसा नाम है वैसा इसका कॉस्ट है, लेकिन टेस्ट एकदम गजब का। हमें चाहिए टेस्ट, तो वहाँ की अंदर की वीडियो तो बन नहीं पाएगी क्योंकि दिस इज सऊदी अरबिया, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ से चलना है सबसे पहले नाश्ते के लिए, उसके बाद चलते हैं कॉर्नेस, फ्री होकर थोड़ी करनी है ग्रोसरी, देखते हैं कि बंदा से होगी या फिर दानूब से। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ से चलते हैं नाश्ते के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुगल अतल फरीज में आके जो है अभी ऑर्डर कर दिया है। नाश्ते में आज ऑर्डर किया है एक फूल मुशक्कल और एक किब्दा, दो पानी और बाकी तो रोटी मिलेंगी साथ में। और यहाँ से इसको लेके चलेंगे कॉर्नेस। तो यहाँ से अभी 10-15 मिनट का टाइम लगेगा रेडी होने में। तब तक जो है मैं यहाँ की काफी सारी चीजें दिखा देता हूँ जो पुरानी है, ट्रेडिशनल है, वो सारी चीजें दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे काफी सारी वीडियो में भी देखी होंगी ये, लेकिन एक बार और देख लीजिए। तो ऑर्डर जो है अपना इधर रेडी हो गया। इसमें थोड़ा जैतून की कमी है क्योंकि जैतून का तेल आज गाड़ी में है नहीं, तो इसलिए इधर से जो है एक्स्ट्रा लेना पड़ गया है। और बाकी सारा आइटम ले लिया यहाँ। अभी आ गया हूँ मैं बंदा सुपरमार्केट में। अब यहाँ से सबसे पहले लेंगे जबीब अजबदी असफर, मतलब उसको क्या बोलते हैं अभी दिखाता हूँ, मुझे हिंदी में पता भी नहीं इसका नाम। जो मैं नाम ले रहा था वो ये है, ये जबीब अजबद है और ये जो है असफर है। इसका मुझे नाम ध्यान पे नहीं आ रहा था, अभी भी पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। और ये पैकेट में है, इसमें जो है बड़ा साइज का है और ये आई थिंक ये पीला वाला ये छोटा साइज का। और क्या है कि इसका प्राइस जो है बाकी जगह से जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि बंदा में जो है ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी मतलब की काफी कॉस्ट पर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है 400 ग्राम का जो है 23 रियाल का है, और अगर ये ही अगर कहीं से लेंगे तो आधा किलो आई थिंक 15 रियाल में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 400 ग्राम 23 रियाल में मिल गया, अच्छा करके लूट रहे हैं ये फिर। तो ये है सामोली, अब इस पर जो है पैकिंग देख लें कब तक की है, 23 तारीख को एक्सपायर हो रहा और ये जो है सब 23 की ही है आई थिंक, तो आज 15 मतलब की ले लेते हैं। ये जो है टोटल चीज का सेक्शन है, तो यहाँ से लेने हैं हमें जुबन सिदर, छोटे छोटे पीस आई थिंक वो आ गया है ये वाले क्राप, तो ये लेने हैं हमें 15 पीस। इधर से लेने हैं हमें टमाटर, अब टमाटर का रेट आई थिंक आजकल ज़्यादा चल रहा है।
आज मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी पीछे से पार्किंग में, तो इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। अभी फोन आया मेरे पास, तो इसलिए अभी जा रहा हूँ पार्किंग में। और आज पियेंगे बीरा, बियर मत समझ लेना, मूसी जिसको बोलते हैं, कंपनी है वैसे मूसी। तो आज पी के देखेंगे आज ये क्या होगा क्या नहीं। ले लिया हूँ, लेकिन 5 रियाल की है। ना जाने क्यों महंगा होता जा रहा है इतना सऊदी, पता नहीं क्यों हर आइटम पे जो है रेट बढ़े हुए मिल रहे हैं हर रोज। तो याददाश्त जो है काफी कमजोर है, इसलिए प्राइस टैग भूल गया लगवाने के लिए टमाटर पर। तो अभी जा रहा हूँ वेजिटेबल सेक्शन में, वहां से लगवा के लाते हैं प्राइस टैग टमाटर पर, क्योंकि मैं जल्दी आ गया ऐसी और फिर भूल गया मैं। और किसी ने जो है ये ठोक दिए और किसी ने जो है ये मार दिए टक्कर ये पीछे से। तो जनाब अभी मैं मौजूद हूँ बंदा की मार्केट में, दिख रहा होगा बंदा। और जैसे कि अभी यहाँ पे आया था मैं फोन करने के बाद, तो यहाँ पे जो है ये गाड़ी ठोक दी है इधर, ये पे कोई रिवर्स निकाल लिया है तो यहाँ पे लगा दी है। अब देखना ये है, अभी जो है बाबा बोल दिया है कि यहाँ पे फोन वगैरह नहीं करना किसी भी सुरता वगैरह को, तो इसलिए अभी जा रहा हूँ क्योंकि लेडीज थी वो इस वजह से। तो यहाँ पे काफी नुकसान हो गया ये, तो ये जो है बुरा लग रहा है। तो फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और लेडीज थी, लेडीज की वजह से जो है मतलब कि फोन नहीं किया, क्योंकि काफी टाइम लगता नज्म वगैरह आने में। तो सोचा बाबा ने बोले सत का ही समझ लो ऐसा, जैसा कि पानी बांटते इधर उधर। अब दिखाता हूँ मैं कि कितना है कितना नहीं, लेकिन जितना भी है ये तो मतलब कि स्क्रेच जो लग रही है बहुत ज्यादा बुरी लग रही है ना। तो ये यहाँ पे किसी ने रिवर्स करते हुए निकाली है ये, तो ये काफी बुरी लग रही है वैसे, ये पूरी साइड गई है यहाँ से, काफी नुकसान हो गया ये तो वैसे। और इसे सही करने में ही 250-300 रियाल लेगा वो, और ज्यादा भी ले सकता है इससे। कल जाना पड़ेगा तो ये फिर जो है इसको सर्विस करानी पड़ेगी, अभी ये काफी बुरी लग रही है। खैर अल्लाह करीम है। तो जी क्या है, अभी घर पर छोड़ दिया हूँ बाबा को और अब जा रहा हूँ रूम पर। और ये जो है नुकसान हो गया आज, मतलब कि कोई लेडीज थी, जैसे मैं अंदर शॉपिंग कर रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि फोन आ गया कोई, तो बाबा समझा था पहले कि रज्जाल है कोई जेंट्स है, तब मुझे फोन किया था। उसके बाद से जो है पता चला कि वो लेडीज है, उतर के आ गई थी, तो उसने बोला सॉरी वगैरह, तो फिर बाबा मान गया फिर। और ऐसा जो है कई बार हो चुका है मेरे साथ, मतलब कभी 2-3 बार जो है फ्रंट पे कोई जो है स्क्रेच मार के चला गया, किसी ने अरबाना वगैरह गिरा दिया तो वहाँ बहुत सारी स्क्रेच आई हुई है, तो वो सब ऐसे ही जाने दिया, बोले छोड़ 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 ये है वगैरह। तो ये भी हो गया इसमें जो है, मतलब खर्चा तो खर्चा ही है ना, 250-300 रियाल से ऊपर भी जाएगा, तो ये काम बढ़ गया एक, तो इसको 1-2 दिन में अभी जाके जो है सही कराना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, अभी चल रहे हैं रूम पर। और जो मैं मूसी लेकर आया था वो जो है गर्म हो गई, मैं ले आया था नॉर्मल, क्योंकि ठंडी आइटम में पीता नहीं, कॉफी भी नहीं पीता ठंडे उसमें, तो मैं तो ये बोलते हैं कि इसको ज्यादा ठंडी पीनी चाहिए ये मूसी जो होती है ना, ये तो वैसे ये नॉन अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक होती तो बस ठाकुर तुम तो गए हो काम से। इसमें भी काफी सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे लेमन फ्लेवर, पीच फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, नॉर्मल में भी आती है ये, वैसे मैं तोहफा ले आया था। खैर कोई नहीं जी, अब चल रहे हैं रूम पर और रूम पे जाके जो है रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया, अभी आई थिंक 1:30 बजने वाला है, क्योंकि मैं बंदा में चला गया सामान लेने के लिए, फिर वहाँ कुछ देर इसमें लग गया, फिर घर पे गया, घर पे आने के बाद अभी चल रहा हूँ रूम पर। तो इसलिए ये वाला ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, हम मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं ना कहीं, तब तक के लिए खुदा हाफिज और गुड बाय, यल्ला मा सलामा।